विरोधियों ने प्रदर्शन किया। स्थगित सीएम धामी से मुलाकात के बाद लिया फैसला। 22 महीने से देश विस्थापन बोर्ड के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन। चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने कसी कमर। आपने खेला एक और चुनावी कार्ड। उत्तराखंड को हिंदुओं की अत्याधुनिक राजधानी बनाने के लिए वेबसाइट लॉन्च। एक्शन में देहरादून। एसएसपी जनमेजय खंडूड़ी यातायात व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। एसएसपी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और उत्तराखंड के बॉडी बिल्डर कपिल गुर्जर सरकार से नाराज। सरकार पर आर्थिक सहायता ना करने का आरोप। उज्बेकिस्तान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक होगा मैच। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की। साथ ही साथ समिति ने 30 अक्टूबर आंदोलन स्थगित कर रखने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के चारधाम देश दुनिया के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र है। सरकार का काम मंदिरों में अब स्थापना विकास को अच्छा करना है। चारधाम यात्रा जल्द शुरू हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम से जुड़े लोगों के हक हकूक को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के तहत बनाई गई उच्च स्तरीय समिति द्वारा चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहित की बात सुनकर सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार को निर्णय लेना होगा। बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और ध्यानी जी उनकी बात सुनेंगे। उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। कोई अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। तो आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले, उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू। और आज बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही ऊर्जावान हमारे माने मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर मुझे लगा पूरी ऊर्जा से भरे हुए, आज उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हम सब लोग उनके पास गए। माने भट्ट जी किशोर भाई के बड़ा सानिध्य हमारे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। हम लोग उनको मिले माने मुख्यमंत्री को, चारों धाम के लोग। और माने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट ये बात रखी कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोग 8 लोगों को आए मेंबर बने और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम चारों धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको स्थगित करते हैं। अध्यक्ष ब्रह्म बद्रीनाथ धाम आज चारों धामों की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी के उसमें बुलाई थी और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल होगी और कुछ ना कुछ इसमें निकल के आए। संजीव सोमवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री पांच मंदिर समिति, सदस्य श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री। आज हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने हमारे दर्द को समझा और बहुत ही अच्छा उन्होंने आज हमको समझाया भी और हम आश्वासन दिया कि इस देवस्थान बोर्ड में अवश्य 30 अक्टूबर तक कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हम लोगों ने भी सभी तीर्थ पुरोहितों ने, चार धाम से जितने भी लोग आए थे, हम लोगों ने उनको जो है वचन दिया कि हम 30 तारीख तक अपना आंदोलन जो है स्थगित करेंगे। चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया है 30 अक्टूबर तक। आपको बताते चलें, वही अब कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में चारों धामों से दो दो तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार को निर्णय लेना है।
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने एक और चुनावी कार्ड खेला है। उत्तराखंड को हिंदुओं की अत्याधुनिक राजधानी बनाने के लिए आप पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने आज वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अत्याधुनिक राजधानी बनाने में सभी लोग अपना सहयोग दें। जनता वेबसाइट पर अपने सुझाव भी दे सकती है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है और इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी कार्ड खेला है। आपको बताते चले, उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आप पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने आज वेबसाइट को लॉन्च किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी लोग अपना सहयोग दें और अपने सुझाव भी इस वेबसाइट पर दे सकते हैं। नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित की याद में पेड़ लगाओ अभियान मनाया गया है, जिसके तहत अरविंद आश्रम के पास 50 से ऊपर बांज के पेड़ लगाए गए हैं। या आपको बताते चले, नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित की कोरोना काल में 24 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद नैनीताल में शोक की लहर दौड़ गई है। नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित की याद में पेड़ लगाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत अरविंद आश्रम के पास 50 से ऊपर बांज के पेड़ लगाए गए हैं। आपको बताते चले, नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित की कोरोना काल में 24 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ गई और उन्हीं को याद करते हुए 50 बांज के पेड़ लगाए गए हैं। और साथ ही आप लोगों से भी निवेदन है, हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस शहर के लिए, इस धरती माँ के लिए कर रहे हैं। और आज का जो हमारा वृक्षारोपण अभियान था, काफी हमने आज बांस के पेड़ लगाए हैं, वो कोरोना काल में एक ऐसा नाम जो हर कोई जानता है, प्रशांत दीक्षित, उनकी स्मृति में हमारे द्वारा पेड़ लगाए गए हैं। स्वर्गीय प्रशांत दीक्षित को हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि। इन पेड़ों को लगा के हमने एक मतलब एरिया में काफी खाली एरिया था, उस पर हमने बांस के पेड़ लगाए हैं। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोहेला के आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई है। और आज जो सभी अपने मित्र बंधु आए हैं, उसका एक ही विषय था कि कोविड-19 के अंदर शिक्षकों के द्वारा संपूर्ण उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। जब कोविड-19 अपने प्रकोप पर था, उस टाइम शिक्षक ने बाहर निकलकर घर से और अपने परिवार को छोड़कर और अपने राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा शक्ति को प्राप्त करके, राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा शक्ति प्राप्त की और एक ऐसा कार्य किया उस समय जो किया जाना बहुत दुर्भर कार्य था। आपने लगातार जहाँ राशन वितरण में हो वहाँ ड्यूटी अपनी रखी, अभी बॉर्डर चेक पोस्ट हो, अभी गोविंद जी का बता रहा हूँ, मैंने एक दिन फोन करा तो पता चला कि जहाँ राशन SDM की यहाँ ड्यूटी थी। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोहेला के आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चलें, जिसमें कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि की मांग की गई है। जिन शिक्षकों ने कोरोना काल में अच्छा काम किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की मांग यहां पर की जा रही है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और उस ज्ञापन में मांग किया गया है कि प्रमाण पत्र के साथ साथ प्रोत्साहन राशि उन शिक्षकों को मिलनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर अच्छा काम कोरोना काल में किया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर कपिल गुर्जर फिलहाल प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे हैं। बॉडी बिल्डर कपिल गुर्जर का चयन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हुआ है और ये प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक होनी है, जिसके लिए
कोई भी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा नहीं दिए जाने के कारण कपिल गुर्जर प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे हैं। यही नहीं, कपिल गुर्जर ने प्रदेश सरकार से आर्थिक मदद करने की अपील भी की है ताकि वह भी उज्बेकिस्तान जाकर पदक हासिल कर सकें और दुनिया में देश के साथ साथ विदेश का में भी अपना नाम रोशन कर सके। वहीं हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान बॉडी बिल्डर कपिल गुर्जर का कहना था कि दूसरे राज्य अपनी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता करती है, मगर उत्तराखंड की प्रदेश सरकार द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं की जाती और ना ही उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। मेरी सरकार से अपील है कि दूसरे राज्यों के भांति उत्तराखंड सरकार भी खिलाड़ियों की मदद करे ताकि उनका उत्साहवर्धन हो सके और वह अपनी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके। फिलहाल आपको बताते चले, उत्तराखंड के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर कपिल गुर्जर फिलहाल प्रदेश सरकार से काफी नाराज है और नाराजगी की वजह यह है कि उनका चयन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हो चुका है लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार से मदद नहीं की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन नहीं करती है और मैं मांग करता हूं कि सरकार हमारी बात सुने और हमारी मदद की जाए ताकि हम भी उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें और अच्छे से खेल सकें। सरकार के लिए यही कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 4 से 5 सालों से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक इंटरनेशनल लेवल पर और जब भी मैं वहाँ किसी एथलीट से मिलता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि उसकी सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी मेरी एक एथलीट से बात हो रही थी तो उसकी सरकार ने उनको 5 से 7 लाख रुपये तैयारी करने के लिए दिए हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि मैं भी चाहता हूँ कि और एथलीट की तरह हमारी सरकार भी हमारे एथलीट पर ध्यान दे, जो कि उत्तराखंड सरकार या एथलीट का दुर्भाग्य समझ लो आप कि उत्तराखंड सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती एथलीट को। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह देश का नेतृत्व कर रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा ओलंपिक्स में कितना चेंज लाए हैं वो इस बार, केवल उनकी एक मोटिवेशनल देगी। आपका कहने का मेरा कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ी को मेहनत खुद ही करनी है और आपका केवल सपोर्ट आदमी को सम्मानित इसलिए किया जाता है कि वो उत्साहित हो जाए और मोटिवेशन हो जाए। सूबे के आखिरी सीमांत नगर जोशीमठ में भी आज सुबह 5:58 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 4.7 तीव्रता के साथ भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। हालांकि अभी तक नुकसान की कोई सूचना नहीं मिल रही है लेकिन इन दिनों पहाड़ों की स्थिति भारी बारिश के चलते सामान्य नहीं दिख रही है। लगातार कहीं भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो कहीं बादल फट जाते हैं। इस समय दहशत का माहौल बन गया है और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं जिसके बाद दहशत का माहौल बन गया है। आपको बताते चले, सूबे के आखिरी सीमांत नगर जोशीमठ में भी आज सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए लेकिन जान माल का कोई खतरा नहीं बताया गया है, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती जा रही हैं। भूकंप के झटकों के साथ साथ पहाड़ों में आज ऑरेंज और येलो अलर्ट का असर साफ दिख रहा है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ चुकी है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहाड़ों को आप देखिए, बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों में किस तरीके से आपको नजर आ रही होगी और बर्फबारी की वजह से ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऑरेंज और येलो अलर्ट का असर साफ देखने को मिल रहा है। जोशीमठ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बर्फबारी की वजह से ठंड भी दस्तक देनी शुरू कर दी है और ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। जोशीमठ के कृषि प्रधान ग्राम सभा बड़ा गांव के तहत आने वाले पहिया गांव के ऊपर की पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है और बड़े बोर्डर गांव के मकानों के ऊपर गिर रहे हैं। इस गांव में 25 या 30 परिवार रहते हैं जो कि इस वक्त अपने गांव में डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार भूस्खलन हो रहा है जिसकी वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। करीब 20 से 30 परिवार यहाँ पर जीवन यापन करते हैं और कभी भी
कोई हादसा हो सकता है जिसके उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। कल रात बारिश से हमारे यहाँ भूस्खलन के वो से वहाँ पे पत्थर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, अभी भी आ रहे हैं पत्थर। मेरे गांव में बहुत सारे डरे हुए हैं और लोग इधर उधर से थोड़ा बोल रहे कि इधर भागें उधर भाग रहे हैं, और उस पत्थर से हमें बहुत डर है। खबर देहरादून से है, जहां पर देर रात एसएसपी जनमेजय खंडूडी ने देहरादून के विभिन्न स्थानों पर घुड़सवार पुलिस के साथ राजपुर रोड पर पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। वीकेंड पर मसूरी की ओर से जाने वाले वाहनों के कारण राजपुर रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर एसएसपी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके। एसएसपी जनमेजय खंडूडी ने देहरादून के विभिन्न स्थानों पर घुड़सवार पुलिस के साथ निरीक्षण किया और पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ वीकेंड पर मसूरी की ओर से जाने वाले वाहनों के कारण राजपुर रोड पर काफी ट्रैफिक हो जाता है, जिसके मद्देनजर यहां पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और यातायात को कैसे सुचारू किया जा सकता है इसको लेकर के मीटिंग भी चली और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम लगातार 4 सालों से कूड़े के ये अवैध कूड़ा डंप हाउस जो ISBT रोड हरिद्वार बाईपास पे लगा हुआ है, इसको लगातार मेयर से श्री सुनील उनियाल गामा जी से, श्री विधायक विनीत चमोली जी से और ऑनलाइन मुख्यमंत्री कोर्ट पे भी पोर्टल पे भी हमने दर्ज करा रखा है, लेकिन कोई भी कहीं से कोई सल्यूशन नहीं निकला है। बीच में गामा जी ने इस कूड़े के राइट साइड को एक छोटा सा वो बना दिया कि इधर ना होके इधर थोड़ा हो जाएगा और यहाँ कूड़ा अब नहीं डलेगा। बीच में कुछ दिनों तक कूड़ा नहीं डला और बोला उन्होंने 6 महीने के अंदर हम आपको एक जगह चिन्हित कर रहे हैं, हम ये कर देंगे। दिव्यांग समिति के अध्यक्ष शंकर लाल अपनी दर्जनों मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये पानी की टंकी विधायक नवीन चंद दुमका के घर के सामने बनी हुई है। शंकर लाल इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं, पर झूठे आश्वासन के सामने उन्हें नीचे उतरना पड़ा था। शंकर लाल की मांग है कि विकलांग लोगों को प्रमोशन के आधार पर कोटा दिया जाए। दिव्यांग समिति के अध्यक्ष शंकर लाल अपनी दर्जनों मांगों को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़ गए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर के वो पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन झूठे आश्वासन की वजह से उन्हें नीचे आने पड़ा था और एक बार फिर से वो पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। विकलांग समिति के अध्यक्ष शंकर लाल अपनी दर्जनों मांगों को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़े आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, मैं विगत वर्ष 15 वर्ष संघर्ष कर रहा हूँ। मैं एक दिव्यांग हूँ, SC कैटेगरी में हूँ और अपनी मांग योजनाएं न मिलने के कारण अभी तक भुखमरी का गार पर हूँ। तो इसलिए मैं लगभग 15 सालों में लगभग सभी, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, जो भी यहाँ के क्षेत्र के विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, सबसे मैंने दरख्वास्त लगाई कि साहब मैं दिव्यांग हूँ और SC कैटेगरी में गरीब हूँ, मुझे आप रोजगार दीजिए। रुड़की में प्रेमिका के प्यार में पागल प्रेमी ने रास्ते का कांटा बन रहे दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था। इस घटना का खुलासा हरिद्वार SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने किया। दरअसल करीब 1 महीने पहले भगवानपुर में एक बिजली कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करने के लिए टीम का गठन भी किया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से तमंचा और बाइक भी जब्त कर ली है। रुड़की में प्रेमिका के प्यार में पागल प्रेमी ने रास्ते का कांटा बन रहे दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था और हत्या का खुलासा फिलहाल हो गया है। इसी के लिए एक टीम का गठन किया गया था और लगातार टीम जांच कर रही थी। फिलहाल हत्या का खुलासा कर दिया गया है।
पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से तमंचा और बाइक भी जब्त कर ली है। इस घटना का खुलासा हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने किया है। एक महीने पहले भगवानपुर में एक बिजली कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद टीम का गठन किया जाता है। टीम लगातार जांच कर रही थी कि आखिरकार बिजली कर्मी की हत्या किसने की है। बाद में पता चलता है कि रुड़की में प्रेमिका के प्यार में पागल प्रेमी ने ही यह हत्या करवाई थी और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके पास से तमंचा और बाइक भी जब्त कर ली गई है। तारीख 12 अगस्त को एक मर्डर हुआ था भगवानपुर थाना क्षेत्र में। एक बालिश के व्यक्ति है जिनका मर्डर हुआ था रात को 9 बजे, और ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें कि पुलिस के पास इनिशियली कोई भी क्लू कोई भी सुराग नहीं था। 2-3 लाइन पर पुलिस ने काम किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले एक महीने से इस पर भगवानपुर पुलिस और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस पर, हमारे SP देहर साहब हैं और CO साहब हैं, ये लगातार इस पर काम कर रहे थे और इन प्रयासों को अंततः एक सफलता मिली, जबकि ये केस वर्कआउट हुआ है। और इस पर ये निकल के सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य अंजाम दिया है वो और बालेश एक ही महिला से इनके संबंध थे, और उसको ये लगता था कि इसके कारण, बालेश के कारण इसके उस महिला से संबंध खत्म हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। रुड़की में प्रेमिका के प्यार में पागल प्रेमी ने रास्ते का कांटा बन रहे दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और हत्या का खुलासा कर दिया गया। इस घटना का खुलासा हरिद्वार SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने किया है। आपको बताते चले, एक महीने करीब भगवानपुर में एक बिजली कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद एक टीम का गठन किया जाता है और लगातार टीम जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिरकार बिजली कर्मी की हत्या किसने की होगी, क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह हो सकती है। और अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरे एक महीने के बाद हत्या का खुलासा किया जाता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से तमंचा और बाइक भी जब्त कर ली है। प्रेमिका के प्यार में पागल प्रेमी ने ही रास्ते का कांटा बन रहे दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था और प्रेमी ने ही बिजली कर्मी की हत्या करी थी। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल तहसील में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल चौबट्टा खाल तहसील के गांव में बीती 24 अगस्त को मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई थी। इस मामले में SSP ने थाना प्रभारी को जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए थे। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल तहसील में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल चौबट्टा खल तहसील के गांव में बीती 24 अगस्त को नाबालिग मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती भी हो गई थी। इस मामले में SSP ने थाना प्रभारी को जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जिसे जेल भेज दिया गया है। 24 अगस्त को मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है और फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल भेज दिया गया है। और लगातार इस तरीके के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब बेटियां सुरक्षित घर से बाहर निकल सकेंगी, कब तक इस तरीके से बेटियों के साथ जुल्म होते रहेंगे, आखिरकार कब इन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं और रोज यही सवाल मन में उठता है कि आखिरकार कब तक इन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी। ₹2021 को राजस्व क्षेत्र पट्टी किमगढ़ी तहसील चौबट्टा खाल पर पंजीकृत मुकदमा 376 भारतीय दंड विधान 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हुआ। मुकदमे में फरार अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ घ्याऊ को थलीसैंड पुलिस द्वारा दिनांक 9/9/2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
आए दिन रूप कपा देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, बेटियों पर लगातार जुल्म होते चले जा रहे हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब इन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।